स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपकी श्री श्याम स्कूल कक्षा छठी की अध्यापिका। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर करेंगे 5, जिसका हमने आधा भाग कल पढ़ लिया था। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? दुख भोगना पड़ता है, उसे पढ़ेंगे। त्रेता युग में जब कैकेयी ने मंथरा की बुरी सलाह के अनुसार काम किया तो अपने पति दशरथ के साथ पुत्र भरत को भी खो दिया तथा समाज में छवि भी धूमिल हुई। द्वापर युग में शकुनी के कुविचारों कुयोजनाओं के अनुसार काम करने दुर्योधन संपूर्ण वंश के नाश का कारण बन गया। जब कैकेयी ने उसकी मंथरा की बात मान ली थी तो क्या हुआ था, राम को वनवास हो गया और वो सबकी बुरी बन गई। दशरथ मर गए थे और भरत ने भी राजगद्दी नहीं स्वीकार की थी। ऐसे ही द्वापर युग में शकुनी मामा ने उसको दुर्योधन को मतलब उल्टा सीधा सिखाया था, जिससे उन सब का विनाश हो गया था। अपने मानव समाज और उसकी व्यवस्था को एक मशीन की तरह माने तो मशीन के हर पुर्जे का महत्व है। सब पुर्जे ठीक से अपना अपना काम कर रहे हैं तो मशीन ठीक से चलती है। यदि कोई एक छोटा सा पुर्जा भी काम करना बंद कर दे तो मशीन रुक जाती है। इसी तरह मानव समाज ठीक से चलता रहे, मिलकर काम करें, इसके लिए ईश्वर का आदेश है कि मिलकर चलो और बोलो और एक ही तरह सोचो ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मानव और मशीन एक जैसे होते हैं। अगर किसी का भी छोटा सा पुर्जा भी मशीन का ख़राब हो जाता है तो वह मशीन काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही मानव के साथ भी होता है। इस मिलकर चलने की प्रक्रिया में मनुष्य को अपना स्वार्थ छोड़ना होगा, घमंड छोड़ना होगा, क्योंकि ये विरोधी विचार हैं, नकारात्मक चिंतन को उपजाते हैं। हम सभी दीवार के पत्थर नहीं बन सकते, किसी को नीम का पत्थर भी बनना है। और यह भी सत्य है कि नीम के पत्थर की मजबूती पर ही भवन की मजबूती निर्भर करती है। समाज में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि अपना काम सुव्यवस्थित ढंग से करें तथा एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़े। सतपथ ब्राह्मण में इस बात को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। देवता असुर प्रजापति की संतान है। काल्पनिक दृश्य है कि दोनों भोजन के लिए आते हैं। असुरों और सुरों के लिए भोजन की शर्त है कि लकड़ी बंधे हाथ से भोजन करना है। भोजन सामने होता है, हाथ कोहनी से मुड़ता नहीं। असुर अपने ही मुख में ग्रास डालने का प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डाल पाते, अतः भूखे ही उठ जाते हैं। इसके विपरीत देवता एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और स्वयं अपने मुख में भोजन ना डालकर दूसरे को खिलाते हैं, जिससे हाथ नहीं मुड़ता और उसे भोजन खाने में कोई कष्ट नहीं होता है। अगर हम खुद खाएंगे तो हमारा हाथ मुड़ेगा, अगर हम सामने वाले को खिलाएंगे तो हमारा हाथ नहीं मुड़ेगा। तो देवताओं में बुद्धि थी, उन्होंने बुद्धि से काम किया, असुरों में बुद्धि नहीं थी। हाथ नहीं मुड़ता क्योंकि सभी देवता भोजन एक दूसरे के मुख में डाल रहे थे। यह दृष्टांत इसी बात को दर्शाता है कि स्वार्थ छोड़कर दूसरों को खिलाने पर सबका पेट भर जाता है। लौकिक कहानियों में अंधे और लंगड़े का सहयोग भी अच्छा है। उदाहरण है, अंधा देख नहीं पाता था पर चल सकता था और लंगड़ा देख पाता था परंतु चल नहीं सकता था। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठाया। अंधा चल रहा था और लंगड़ा उसे मार्ग बता रहा था। दोनों ही लक्ष्य तक पहुंच गए। एक अंधे और लंगड़े की कहानी आपने सुनी होगी। उसमें एक अंधा होता है उसका दोस्त और एक अंधा होता है और एक दूसरा लंगड़ा। तो लंगड़ा तो चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता, तो जो अंधा होता है वो लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेता है कि मैं तो चलूँगा और तू मुझे रास्ता बताता चलियो, जहाँ जहाँ तू बताएगा वहाँ मैं चलूँगा। तो वो दोनों ऐसे करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाते हैं। कहानियाँ तो केवल उदाहरण है, सत्य तो यही है कि एक दूसरे की सहायता करते हुए मिलकर चलो तो सारे सुख व संपत्तियाँ तुम्हारे लिए हैं। इसमें क्या बताया गया, उदाहरण इसका क्या है, इस लेसन का, कि सब एक दूसरे की सहायता करके चलो तो सारी सुख संपत्ति आपके पास
होगी। तो आप इसकी रीडिंग करिए और अच्छे से इसको समझिए। अब हम इसके करेंगे कठिन शब्द। एक पेज पर आप फॉर्मेट बनाइए, उस पर लिखना कठिन शब्द। संग छदम संवदम समो मानसी जान तम, तीनों इन चारों वर्ड को अलग अलग लिखोगे आप। सबसे ऊपर ये, फिर उसके नीचे नीचे, ऐसे करके। ऋग्वेद सुक्त संगठित अन्यथा स्वार्थ मनोवैज्ञानिक नियंत्रण अभ्यास लेफ्ट राइट उद्देश्य बुद्धिबल सतर्क ऋषियों संकल्प अविरोधी संघे शक्ति विपत्तियां द्वापर कुयोजनाओं दुर्योधन नकारात्मक पत्थर सुव्यवस्थित शतपथ ब्राह्मण प्रजापति काल्पनिक दृष्टांत लौकिक और संपत्तियां। ये हमारे कठिन शब्द हैं। और नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे शब्द अर्थ। तो आपको शब्द अर्थ और कठिन शब्द ये दोनों नोटबुक में करने हैं और इस लेसन की रीडिंग करनी है। थैंक यू।